नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। राजधानी पटना में चेन छीनताई करने वाले सूरज की गिरफ्तारी क्या हुई, एक के बाद एक कई राज खुलने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो खबर हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं, उस खबर को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि नेताजी का बेटा यानी कि पूर्व विधायक का बेटा भी अब लोगों से छिनताई कर रहा है। न सिर्फ लोगों ने नेताजी के बेटे को पकड़ा बल्कि जमकर कुटाई भी कर दी। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। पाटलिपुत्र में दो मोबाइल झपट्टा मार को लोगों ने पकड़कर जमकर पीट दिया। पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचा तो लिया, लेकिन उनके पास से पुलिस ने छीना हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। झपट्टामारों में बेगूसराय के बखरी के पूर्व विधायक रामानंद राम का बेटा राकेश राज और शास्त्री नगर का निखिल कुमार शामिल है। दोनों की बाइक भी जब्त की गई है। बाइक चोरी की हुई है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पाटलिपुत्र थानेदार एसके शाही ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। निखिल सीतामढ़ी के रहने वाले शंकर ठाकुर का बेटा है तो वो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग का छात्र भी बताया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद से वो पटना में ही है, यहाँ परिवार के साथ शास्त्री नगर में रहता है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि वो मौज मस्ती के लिए मोबाइल झपट्टा मारी करते हैं, मोबाइल छीनते हैं और इसी के चलते लोगों ने उनको जमकर पीट भी दिया है, जमकर कुटाई कर दी है। लोगों ने पकड़ा और जमकर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच पुलिस पहुंची और बीच बचाव कर उनको छुड़ा तो लिया, लेकिन उनके पास से कई सारी चीज़ें भी बरामद की गई हैं। तो वहीं दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि कल जो सूरज की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, उस मामले में भी अब एक के बाद एक कई राज खुलते जा रहे हैं। तो आपको इस मामले में अगर ताज़ा अपडेट दें, दो महीने में चेन लूट की 20 से अधिक वारदात को अंजाम देने वाले सूरज से पूछताछ में कई जानकारी पुलिस को मिली है। उसने एक और गिरोह की जानकारी दी है। चेन लूट की वैसी घटनाएं जिन्हें सूरज ने अंजाम दिया था, उनका भी फुटेज उसे दिखाया गया, जिसके बाद सूरज ने एक गिरोह के दो बदमाशों का नाम पुलिस को बताया है। सूरज की गिरफ्तारी के बाद चेन लूट के 11 मामलों का उद्भेदन हुआ है, 10 से अधिक मामलों का उद्भेदन होना बाकी है। पुलिस इन सभी मामलों का सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर रही है। राजीव नगर पुलिस को इसका जिम्मा दिया गया है। साथ ही राजीव नगर पुलिस सूरज को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। सूरज ने अपने बयान में कहा है कि वो घोसवारी के गरीब परिवार का रहने वाला है। परिवार में झगड़ा होने के बाद 2 साल पहले उसे पत्नी और बच्चे के साथ घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद पटना के दीदारगंज में आकर रहने लगा। पैसे की जरूरत थी, इस कारण अंशु के साथ मिलकर मोबाइल स्नेचिंग करने लगा और अभी तक 200 से अधिक मोबाइल छीन चुका है। इतना ही नहीं, उसी पैसे से उसने बाइक भी खरीदी थी और अब अकेले चेन स्नेचिंग करता था, उसमें मोबाइल से अधिक पैसे मिलते हैं। अंशु और उसके साथी अभी मोबाइल स्नेचिंग ही करते हैं। मालूम हो कि गुरुवार को पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर खाजे कला के 4, माल सलामी के 2 और आलमगंज के 1 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम हमने आपको कल वीडियो में बताए भी थे। और अब जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि पटना में नेताजी का एक बेटा है जो कि अपने दोस्त के साथ मिलकर मोबाइल झपट्टा मार का काम करता है और इसी के कारण लोगों ने उसे पकड़ा और लोगों ने जमकर कुटाई कर दी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो मामले की छानबीन में ये पता चलता है कि वो पूर्व विधायक का बेटा है और किस वजह से ये इस घटना को अंजाम देता था। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर राजधानी पटना में चेन स्नेचिंग करने वाले और मोबाइल छीनने वाले एक के बाद एक लगातार पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त का यही है कि पूर्व विधायक का जो बेटा है वो भी इस मामले में संलिप्त है और ताजा मामले में उसे लोगों ने पीटा है और लोगों से छुड़ाकर ही पुलिस उस पर अब कार्रवाई करने की सोच रही है। लेकिन इधर सूरज की गिरफ्तारी भी हुई और सूरज की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूरज ने पुलिस को कई राज उगले हैं, पुलिस से कई राज बताए हैं, जिसके बाद कई और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और इन तमाम मामलों पर पुलिस अब जांच कर रही है। कल आपने एसएसपी उपेंद्र शर्मा की बात भी सुनी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सूरज जो है मोबाइल और चेन छीन करके उन लोगों को बेचा करता था, ज्वेलर्स को बेचा करता था, ज्वेलर्स के शोरूम के मालिकों को बेचा करता था, उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है और ऐसे 6 से 7 ज्वेलर्स मालिक हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस अब तक कर चुकी है। तो कुल मिलाकर राजधानी पटना में पुलिस सक्रिय हो गई है इन लोगों के खिलाफ जो कि चेन स्नेचिंग का काम करते हैं, मोबाइल छीनने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में पूर्व विधायक का एक बेटा भी अब पकड़ाया है जिसको कि लोग पीट रहे थे। अब देखने वाली बात यह होती है कि उस पर कार्रवाई क्या होती है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।